आए दिन समाज से भी मानवता का परिचय देते हुए गरीबों की लगातार मदद कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर के सिविल लाइन्स क्षेत्र के समाजवादी जयप्रकाश मिश्रा भोले द्वारा मजदूर गरीबों को आटा, चावल, आलू, नमक और तमाम राशन का सामान दिया गया। यह व्यवस्था पिछले 52 दिनों से चल जा रही है, जिसमें अब तक 500 मजदूरों और गरीबों को किट बांटी गई है। देवरिया के कौला मुंडेरा गांव में क्वारंटाइन सेंटर से भाग रहे नहाने गए एक कामगार की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाथरस के थाना सादाबाद क्षेत्र के गांव गीगला में क्रिकेट खेलने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के चलते एक पक्ष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें दूसरे पक्ष के दो युवक घायल हो गए। लाश के दौरान एक युवक की मौत हो गई। फिरोजाबाद के थाना एका क्षेत्र गांव कोसपुर में 40 वर्षीय युवक का शव मकान के पीछे नीम के पेड़ पर लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए गांव में हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। बुलंदशहर में कोतवाली क्षेत्र के गुलाबअच्छी रोड बॉम्बे मार्केट के पास सड़क किनारे खड़ी कार में चालक का शव पड़ा हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर शव को बाहर निकाला। सीतापुर की नगर पंचायत हरगांव के वार्ड तरपतपुर में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, तीन घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। गोंडा जिले के करनेलगंज कोतवाली क्षेत्र के कमालपुर गांव में बेटी के घर ईदी देने गए बुजुर्ग पिता को पैसों के लेन देन के विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी। बेटी को भी धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाथरस के गांव किंदोली के निकट गंदे नाले में एक महिला का शव बरामद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से शव को नाले से बाहर निकलवाया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हाथरस के थाना हाथरस स्टेशन क्षेत्र के गांव पूरा के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार दो लोगों को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई, जहां प्रवासी मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन और बिजली के पोल से टकरा गई, जिसके बाद वैन पलट गई और दो मजदूरों की मौत हो गई। हाथरस के थाना हाथरस गेट क्षेत्र के चौबे वाले महादेव मंदिर के पास बंद पड़े एक मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिला। मकान से दुर्गंध आना पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। गोंडा जिले के मनकापुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दो युवकों ने घर में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता के विरोध करने पर उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी देते हुए युवक फरार हो गए। हरियाणा से मुरादाबाद पहुंचे प्रवासी मजदूरों को प्रदेश के कई जनपदों में बस के जरिए उनके घर पहुंचाया जा रहा है। शहर के कांच रोड स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के मैदान में सभी प्रवासी को एक मीटर की दूरी पर बैठाया गया। नाम पता नोट करने के बाद बसों में बैठने की व्यवस्था कराई। महोबा स्टेशन पर गाजियाबाद से चलकर एक स्पेशल ट्रेन आज सुबह महोबा पहुंची, जिसमें लगभग 231 प्रवासी कामगार स्टेशन पर उतरे। जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराकर बसों द्वारा विद्या मंदिर इंटर कॉलेज और एससीएसटी हॉस्टल लाया गया। मैनपुरी के दन्नाहार थाना क्षेत्र के ग्राम देवामई गांव में दो पक्षों में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक शख्स तमंचा लहराते हुए दिखाई दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ में मामूली कहासुनी को लेकर रास्ते का विवाद इतना बढ़ गया कि गांव के कुछ दबंग लोगों ने एक अधेड़ व्यक्ति के साथ जमकर मारपीट कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।